अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हम शेयर करेंगे आपके साथ जो मिस्सी रोटियां हैं ना तंदूर में लगानी है वो, उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। साथ हम बनाएंगे हरी मिर्चों की चटनी, धनिया और पुदीना डाल के। अभी माशाल्लाह हमारा जो किचन है ना वो बड़ा अच्छा रेडी हो गया है। थोड़े बहुत अभी काम रहते हैं, वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह होते रहेंगे। घड़े भी हमने पानी के भर लिए हैं। और यह है कि मिस्सी रोटियाँ हमने बनानी हैं और बड़ी ही सादा सी रेसिपी है और गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। तो अभी हम लोग तंदूर में ही वो लगाएंगे। उसका आटा कैसे गूंदना है वो, क्योंकि मुझे बनानी नहीं आती, वो अम्मा जी की रेसिपी है। अम्मा जी से आपको आज रेसिपी भी दिखाते हैं आपको अम्मा जी की, और साथ चटनी बनाएंगे उसके साथ, तो वो रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने आटे में अदरक लहसुन टमाटर हरी मिर्चें धनिया पुदीना प्याज सब डाल के ना, और नमक डाला था, आटा गूंद दिया। अब थोड़ी सी ना जो कुटी हुई सुर्ख मिर्चियाँ वो डाली हैं। अब इसे अच्छे तरीके से जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना, इस तरह हम इसका आटा गूंद के रखेंगे। तंदूर जो है वो जलना शुरू हो गया। अभी थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो फिर इसमें रोटियाँ लगाएंगे। अभी आटा भी गूंदा पड़ा है, अभी इसमें ना मिस्सी रोटियाँ लगा के फिर आपको दिखाते हैं। आटा हो गया जी तैयार, यहाँ पे पेड़े कर लिए हैं और अम्मा जी ने यहाँ पे जो है ना रोटियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। माशाल्लाह बेहतरीन रोटियां लग रही हैं। चले जी, हमारी जो मिस्सी रोटियां हैं वो भी हो गई हैं रेडी। साथ हम लोगों ने धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी जो दही में मिक्स किया। धनिया पुदीने की चटनी नॉर्मल है, धनिया लिया, पुदीना लिया, अनारदाना, अदरक लहसुन, नमक और सब्ज मिर्च डाल के बस उसे हमने ग्राइंड किया। कुंडी डंडा है तो उसमें भी बना सकते हैं, ग्राइंड कर लें, चॉप कर लें, दही में डालेंगे। रोटियां हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त रेडी हुई हैं, अभी हम इसे खाएंगे, एंजॉय करेंगे। आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।